तो गाइस आज की जो वीडियो है जो कि मैंने बताया था हर थर्सडे मैं आपको प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस देता रहूंगा जो आपके घर में बेसिक एसेसरीज होती हैं वो आपको कहां से खरीदनी चाहिए, कौन सी उसकी बेस्ट कंपनी होती है, और अगर ऑनलाइन आप खरीदने जा रहे हो तो कन्फ्यूजन इतनी हो जाती है कौन सा मटेरियल ले या ना ले, किसको अवॉइड करें किसको डिटेन करें। तो आज मैं आपको वो लिस्ट देने वाला हूँ। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी बाथरूम की एसेसरीज के ऊपर थी, और सेकंड वीडियो थी बाथरूम के सैनिटरी फिटिंग्स में अगर नॉन ब्रांड में जाना है तो किस कंपनी का लेना है। तो वो दोनों वीडियो है, आई बटन में लिंक है, आप जाकर वहां से देख सकते हो। आज की जो वीडियो है ये होने वाली है किचन के फिटिंग्स के ऊपर। इसके अंदर दो चीजें हैं, किचन की फिटिंग्स और दूसरा किचन की एसेसरीज, दैट्स राइट। अब मैं किचन की फिटिंग्स के बारे में कुछ आपको ट्रिक्स बता देता हूं सो दैट आपको चीजें खरीदने में आसान होगी, बाकी घर के लिए एसेसरीज में, क्योंकि जब हमारी मम्मी जी हैं और जब वो यूज करती हैं घर में किचन में तो उनको कौन कौन सा आइटम है जो बार बार मुझे पहले मार्केट में भेज के मंगाया जाता था, अब तो ऑनलाइन आ गया है तो ऑनलाइन के अंदर कैसे कैसे आप वो खरीद सकते हो, लिस्ट मैंने पूरी यहाँ डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो खरीद सकते हो। और ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो टेस्टेड है, मतलब खरीदे और टेस्ट किए, वही मैं आपको लिंक यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो जब किचन का सिंक है, ये कंपनी का सिंक है, बढ़िया लग रहा है, ये सिंक में करना क्या है, इस सिंक को ये साउंड प्रूफ होता है ना, बर्तन जब एकदम से गिरते हैं धम 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 आवाज आती है, तो ये वो साउंड प्रूफ है। दूसरा SS 304 ग्रेड का है, मतलब इसमें रस्ट कभी नहीं लग सकता है। तीसरा इसके ऊपर एक स्लाइडर है और स्मूथ मैट फिनिश है। एक तो आते हैं ना स्टेनलेस स्टील के चमक वाले, आजकल जमाना मैट का है, तो ये वाला लोगे तो बहुत सही लगेगा, घर में देखने में सुंदर लगेगा। अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, चाहे तो आप जो समझिए खरीद सकते हो आपके किचन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकंड ये जो टैप है ना, ये वाला मिक्सर लेना है यार ब्लैक कलर में, अगर इसमें लगा तो किसी और में लगाना, लेकिन लगाना जरूर, कि ब्लैक हर किचन के डिजाइन के साथ जाएगा। अब आपके किचन का कलर लाइट है उसमें ब्लैक जाएगा, ग्रे तो ब्लैक चल जाएगा, ब्लैक में ब्लैक चल जाएगा, व्हाइट में ब्लैक चलेगा, तो ब्लैक और यूनिवर्सल है, हर किसी के साथ जाएगा। नेक्स्ट होता है भाई चिमनी। सबसे ज्यादा चिमनी के ऊपर लोग सवाल पूछते हैं अक्सर, कंसल्टेंसी मतलब 5,000 रुपए कंसल्टेंसी, क्योंकि चिमनी लगाए तो कौन सी लगाए। देखो भैया सिंपल सा जवाब है इसका, जो चिमनी है वो एक वेस्टर्न स्टाइल का एग्जॉस्ट है, ठीक है। वहां क्या होता है फिश ऑयल ऑलिव ऑयल में फ्राई होते हैं, वो भी लिटल, और हमारे यहाँ चलता है आलू के परांठे, ठीक है। तो जैसे ही अपने जब सुबह सुबह नाश्ता बनता है तो वो बटर जाता है और वो ऐसा धुआं सा उठता है, तो वो चिमनी के बस की बात नहीं होता, और ऑयल इतना होता है चिमनी उसमें खराब हो जाती है अक्सर। तो ये जो 10,000-12,000 वाली चिमनी है वो सिर्फ फैंसी के लिए ठीक है, देखने के लिए, एक्चुअल में उसका कोई इतना यूज नहीं है, बट स्टिल आप चिमनी अगर यूज करना चाहते हो और एग्जॉस्ट का प्रोविजन नहीं है तो मैं लिंक डाल रहा हूँ, ये वाली चिमनी आपको वो खरीदनी है जो ऑटो क्लींजिंग मोड पे होती है, सेल्फ क्लींजिंग है, मेंटेनेंस कम है, बाकी मैंने तो आपको हर हफ्ते वो जाली साफ करना ये करना वो करना अलग ही काम होता है। तो एज पर इंडियन किचन स्टैंडर्ड जो हमने बनाया है आपको हमेशा एग्जॉस्ट फैन डालना ही डालना है, लोहे वाला जो आता है ब्लैक मैट फिनिश में, वो आपको डालना है, देखने में भी ठीक लगता है और काम भी अच्छा करता है। अगर आपने ओपन किचन का कंसेप्ट लिया है ना भाई तो एग्जैक्टली काम करने वाला जो मेन एग्जॉस्ट बाहर लगेगा, 18 इंच वाला आप साइज में ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस मैं ये सिर्फ 4 या 5 ही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसको देखना जरूरी है, बाकी वो नॉर्मल एसेसरीज है, इसको आप सीधा प्रोक्योर कर सकते हो, उसमें से कोई देखने वाली है। और ट्रिक भैया चीजें तो खरीद लेते हैं ऐसी बाथरूम में, शायद बाथरूम में बताना भूलिया, अब बता देता हूँ। कोई भी सेंट्री फिटिंग हो या कोई भी चीज आप फिटिंग हो जो दीवार पे लगने वाली है, एक चीज का ध्यान रखना, उसके पीछे से कोई पाइपलाइन ना जा रही हो, नहीं तो होता क्या है ड्रिल या तो करंट के पाइप में चला गया और धूमचक हो गया, और नहीं तो फिर पाइप प्लम्बिंग के पाइपलाइन में चले गए और सीलन ही सीलन आ जाएगी, और प्लम्बर डर के मारे बताएगा नहीं ना, बिजली वाला बताएगा। तो हमेशा जब किसी चीज को इंस्टॉल करो तो चेक कर लेना कि भाई जो इंस्टॉल करने आया है उससे पूछ लेना, भैया यहाँ पीछे प्लम्बिंग लाइन तो नहीं जा रही है या बिजली की लाइन तो नहीं है। बहुत काम की ट्रिक आ गया ना समझ में, कितनी काम की ट्रिक है, किसी चीज को इंस्टॉल करना कितना आसान लगता है होता नहीं है, इसलिए साइट सुपरविजन भी जरूरी होता है भाई, ठीक है। तो वो चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा जब कोई भी चीज को ड्रिल करा रहे हो तो ऐसे नॉक नॉक करके देख लो, अगर ढोल जैसी आवाज आ रही है मतलब वहां नहीं करना है। रीजन मतलब कि पीछे मसाला नहीं है, सिर्फ टाइल टाइल है, ड्रिल करोगे टाइल पूरी क्रैक हो जाएगी, तो ये ऐसे साउंड चेक कर लेना, सॉलिड है तो मतलब पीछे मसाला है, वहां आप लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है भाई गीजर। मैं तो कहूंगा इंस्टेंट गीजर हमेशा लगाओ, ज्यादा बेटर होता है, तुरंत पानी आता है। हाँ लेकिन अगर आपके लाइट का बहुत पंगा आती जाती रहती है तो फिर आप वो स्टोरेज वाला गीजर ले सकते हो। नेक्स्ट है भाई आरओ, हमेशा आरओ वो वाला लो जो अंडर काउंटर में सेट हो जाए, ऊपर लगते हैं पानी उसमें गिरता है सर्विस दिक्कत आती है, नीचे अंडर काउंटर आरओ लो, उसका एक पंप आता है, टोटल सेटअप बनता है 11,000-12,000 में नॉर्मल आरओ का, वो सेटअप लगाओ, पंप होता है सीधा टैप में पानी आएगा, और भाई जब सीधा टैप से पानी आएगा देखने में सही लगता है, बट स्टिल आप चाहो तो आरओ ऊपर वाला ले सकते हो, और मेरे घर में जो लगा मैं उसका भी लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। तो आरओ का मैंने लिंक डाल दिया, आप जाओ उसको भी चेक कर सकते हो। अब ये जो लिस्ट है जो बेसिक है वो आपको नहीं चाहिए, एक आइटम और बता दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइजर। जो भी किचन है बास्केट में खोलो तो एक ऑर्गेनाइजर दिखना चाहिए, ऐसे ही कबर्ड का भी ऑर्गेनाइजर आता है जिसमें वॉचेस बेल्ट टाई पॉकेट स्क्वायर ये रखे जाते हैं, और किचन के लिए ये है जिसमें रोलिंग पिन मतलब बेलन हो गया, फॉक हो गया, स्पून, नाइफ, बटर नाइफ, ये सब आते हैं, ऑर्गेनाइज दिखता है तो बढ़िया दिखता है,
ठीक है, बाकी का भी लिस्ट है, आप देखो कैसे। तो भाई अब मैं आपके लिए ये भी लेके आने वाला हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, घर के अंदर लाइटिंग अच्छी होगी तो अच्छा लगता है ना। ये देख, ये अभी तो मेरे पूरे स्टूडियो में लाइट जली हुई है, नीचे शेडो भी बन जाता है इसका। इस पेड़ की जो है वो एक खासियत और है, ये आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। जब आप कोई सुंदर चीज़ देखते हो, खास करके पेड़, तो वो जो स्टोन्स हैं, ये पिंक स्टोन्स हैं, ये बहुत ही सही रहते हैं। ऐसे ये बुद्धा देखो भाई, लग रहा है ना, मज़ा आता है। और एक चीज़ लास्ट, टन 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 टन, तो भाई ये टैप मैजिक है, इंटरनेट पे इजली अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो पब्लिक ने बोला यार ये हमें दिलवा दो, हम कैसे लें कैसे लें। तो मैंने इसके लिए अलग से बंदा रखा है जो आपको ये मटेरियल सीधा सप्लाई करवा देगा ऑल ओवर इंडिया में, और ऐसे सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल करा देगा। क्योंकि जो अच्छी चीज़ है ना यार, वो मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करना, आप लोगों से मिलवाना बहुत सही चीज़ है। तो आप टैप मैजिक खरीद सकते हो, किसी भी तरह की रस्ट आपके उसके ऊपर उतर जाएगी, जो सॉल्ट जमा हो जाता है वो उतर जाएगा। तो टैप फिटिंग्स को लेके सबसे बेस्ट चीज़ है, और जो इसकी फोटो में दिखाया है वो एक्चुअली ऐसा कर सकता है, जिसमें सिंक आ गया, बात की फिटिंग्स आ गई। ये देखो, ये जो बिफोर आफ्टर इसमें दिख रहा है वो एक्चुअल में, और ये मैंने यूज़ किया है यार, बहुत यूज़ किया है। मतलब जब मैं कंस्ट्रक्शन में था तो हर जगह ये लेके चलते थे, सारी जगह ठीक हो जाता था, क्योंकि रेनोवेशन का भी काम होता था ना। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स भी मिलने वाले हैं, और भाई इंस्टाग्राम को फॉलो करो, और यूट्यूब पे नया हमारा मनीष सैल ब्लॉग्स के नाम से चैनल आ गया है, उस पर आप जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। और जल्दी वेबिनार आ रहा है, अगर आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन या सिविल फील्ड से हो तो आप भी सीख सकते हो कि कैसे क्लाइंट कन्वर्ट करना होता है, कैसे काम करना होता है। तो जल्दी वो वेबिनार आने वाला है। टिल देन, गुड बाय।